बहुत बड़ी खबर, बोरे में बंद अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। रातू थाना क्षेत्र के झिरी में बोरे में बंद एक महिला का शव बरामद किया गया है। हालांकि शव की पहचान के लिए एसआईटी का गठन हुआ है, क्योंकि शिनाख्त अभी तक हो नहीं पाई है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी में डीएसपी समेत रातू थानेदार भी शामिल हो रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी और पहचान के लिए जांच तेज की जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बोरे में बंद एक महिला का शव मिला है। तो लगातार रातू के झिरी से शव मिलने का सिलसिला जारी है और इससे पहले भी बीते दिनों एक महिला का शव मिला था और एक बार फिर से एक महिला का शव बरामद किया गया है। झिरी से बोरे में बंद अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है और इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। इमरान, जो बीते दिनों बात आई थी एक महिला का शव मिला, ये वही मामला या फिर कोई अलग से फिर से एक बार बोरे बंद महिला का शव मिल गया झिरी से, और ऐसा है तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है ये? नहीं है, गुरुवार को जो बोरे में बंद एक महिला का शव बरामद किया गया था उसी मामले को लेकर के ग्रामीण एसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में डीएसपी थानेदार सहित कई पुलिस पदाधिकारियों को रखा गया, टेक्निकल टीम को रखा गया है ताकि इस पूरे मामले में सबसे पहले कि महिला की पहचान कराई जा सके, क्योंकि अब तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। इसके वजह से इस कांड के अनुसंधान में परेशानियां आ रही थी सामने, इसलिए एसआईटी फ्रेम की गई है ताकि इस पूरे कांड की जांच और अपराधियों की गिरफ्तारी तेजी से की जाए। क्योंकि जिस वक्त बोरे से महिला का शव बरामद किया गया था, शव बरामद होने के बाद इस पूरे मामले पर जो जांच की गति थी उसे तेजी लाने के लिए, जो महिला है जिस तरह से उसकी हत्या की गई है गला दबा करके और उसके शरीर में कुछ जगहों पर चोट के निशान भी थे, तो ऐसे में इस पूरे मामले में पुलिस मान के चल रही है कि हत्या कर साक्ष्य को छुपाने के लिए झिरी रिंग रोड के पास ये सारी चीजों को फेंका गया था बोरे में बंद करके महिला को। अब उसके अपराध कर्मी और उसके जो हत्या में शामिल जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके, इसलिए जांच के अनुसंधान के लिए एसआईटी का गठन किया गया है जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर 2 रातू थानेदार, टेक्निकल टीम और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को इस पूरे एसआईटी में रखा गया है ताकि अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो सके। तो इमरान, एक जो बात कही जा रही थी कि इस शव के पास से एक हैंड बैगेज भी महिला का जो है बरामद हुआ, हैंड बैगेज, तो क्या उससे कोई जानकारी नहीं मिल पाई, शिनाख्त नहीं हो पाई, कोई पहचान नहीं हो पा रही है? देखिए, जो हैंडबैग बरामद हुए थे पंकज, उस हैंडबैग में कपड़े थे, कुछ अन्य साजो सामान थे, लेकिन पहचान के लिए ना ही मोबाइल फोन था उस हैंडबैग में और ना ही कोई दूसरी ऐसी दस्तावेज या कागजात जिससे यह पहचान कराई जा सके कि महिला कहाँ की रहने वाली थी। हालांकि फिर भी उस जगह से महिला के बाइक से कुछ ऐसे भी चीजें मिली थी जो कई दुकान के नाम से प्रदर्शित की गई थी, जेवर दुकान के कुछ बैग भी उसमें मौजूद थे। उन तमाम जगहों की चीजों को खंगालने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है कि हैंडबैग के सहारे ही उस महिला तक पहुंचा जा सके। वहीं साथ ही आसपास के जो थाना क्षेत्र है, चाहे वो कांके हो, जगन्नाथपुर हो, धुरवा हो, नगड़ी हो, इन थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारियों से भी संपर्क साधा गया है, जानकारी मांगी गई है कि अगर उनके थाना क्षेत्र से किसी महिला की मिसिंग होने की शिकायत अगर सामने आ रही है तो वो जानकारी रातू थाने को दे ताकि इस पूरे कांड को सुलझाने में अहम भूमिका मिल सके। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप, पूरी जानकारी आपने तो निश्चित तौर पर। अब एसआईटी का गठन हुआ इस महिला की शिनाख्त के लिए और इस पूरे हत्याकांड की जांच के लिए, तफ्तीश के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।